नमस्कार। कक्षा 12 में डे 186 में पहुंच गए हम और अपना चैप्टर चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्यमान त्वरक में। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने इनिशियल बातें कर ली थी, वो जरूर आप समझ लेना पहले। जिसमें हमने बात की थी डेंडी आवर्ती की और कार्यफलन की, दो बातें हमने कर ली थी। उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की, धातु की जो सतह होती है वो एक पृष्ठीय अवरोध की तरह कार्य करती है, उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों को हमें ऊर्जा की जरूरत रहती है, तो उसे निकालने के भी प्रकार है। यानी इलेक्ट्रॉनों का धातु की सतह को छोड़ना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब वो अपने आप नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। अब कितनी तरह से उसका उत्सर्जन हो सकते हैं वो उसके प्रकार हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो सबसे पहले तो अगर पूछे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, तो नाम ही है उत्सर्जन का, मतलब निकलना कहाँ से, धातु के धातु में से किसी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। अब हमें इसके प्रकार बताने हैं, तो इसके मुख्यतः चार प्रकार हैं, इसके मुख्यतः चार प्रकार हैं। थोड़ा सा हम समझ ले, हमें तो एक ही प्रकार हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, ताकि फिर भी हमें पता रहे किस किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है तापायनिक उत्सर्जन। थर्मोलाइट एमिशन कहते हैं इसको। तापायनिक इनके नाम से ही पता चल रहा है, तापायनिक का मतलब है कि अगर धातु को ताप दिया जाए, गर्म किया जाए, गर्म करेंगे तो भी ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से एनर्जी मिलनी चाहिए। वो एनर्जी कैसे कैसे मिलती है वो प्रकार है। उत्सर्जन हमें पता ही है, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, और उसको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो यदि यदि धातु को ताप दिया जाए, गर्म किया जाता है, तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और धातु के पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कोई धातु है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसको गर्म किया जाए तो इसको ताप दे दिया जाए, अगर अगर ये स्थिति है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो यदि क्या हो, यदि धातु को गर्म किया जाए तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो सकता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखिए। दूसरी बात आती है नंबर दो, पाचा द्वितीय उत्सर्जन। सेकेंडरी एमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है कि अगर धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उन पर बाहर से इलेक्ट्रॉन भेजे जाए, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो गतिशील है, गति करके आ रहे हैं, वो जमीन से इंपैक्ट करेंगे, टकराएंगे, तो वो अपनी ऊर्जा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको तो कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, ये अपनी ऊर्जा तो इनको दे देते हैं और ये इस कारण ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस प्रकार के उत्सर्जन को कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी एमिशन। क्योंकि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो निकलेंगे वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या लिखना है, जब धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों को आपतित किया जाता है तो ये धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है। डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं, एग्जाम में ये बातें नहीं पूछ जाएंगी, वैसे ही सामान्य हमें पता होना चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। तीसरी बात आती है क्षेत्र एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र से, फील्ड एमिशन, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बैटरी लगाना, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ई और वी में संबंध हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल से पढ़ा था, तीसरी चौथे पार्ट में। तो यहाँ अगर ये धातु है और इस पर क्या लगा दी जाए, बैटरी लगा दी जाए और इस पर वोल्टेज दिया जाए, तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, धातु पर क्या किया जाए, विभवांतर आरोपित करके भी उनको ऊर्जा दी जा सकती है,
ठीक है, वो भी क्या रहती है, एनर्जी रहती है। और सबसे जो लास्ट बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, और जो जिसमें से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस चैप्टर का, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो चैप्टर का नाम भी है और वो प्रकार भी है, उसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी लिख देते हैं, क्योंकि हम उत्सर्जन के प्रकार पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ इसी को ही लिख देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि प्रकाश आती तो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो क्या कहेंगे, सिंपल थोड़ा सा तरीके से लिखे तो, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। इससे जो करंट उत्पन्न होता है, जो धारा उत्पन्न होती है, अगर सर्किट में यूज कर लिया जाए तो ऐसी धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इन सारे शब्दों का हम यूज करने वाले हैं अगली क्लास से पूरा। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में आपतित होता है, फोटोन ई बराबर एच न्यू के रूप में ऊर्जा का पैकेट होता है, वो इलेक्ट्रॉनों पर गिरते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं अपने, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा के कारण धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तथा इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। निर्मित धारा क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, आगे हम बात करेंगे। तो ये मुख्य प्रकार है जिसमें बेसिकली हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर बात करेंगे पूरे चैप्टर में, और फिर कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसके बारे में पढ़ना है, और बेसिकली चैप्टर में है भी ये, इसके अलावा एक दो डेफिनेशन और कुछ रहते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप उसको कर लें।